IQ New 9 Pro 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और इस फोन का अंततः स्कोर 1.7 मिलियन आता है जो कि Samsung Galaxy S23 Ultra से भी ज्यादा है और इस फोन का प्राइस जो है वो Samsung Galaxy S23 Ultra से बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ दोस्तों, तो इस फोन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और हम इसे IQ New 7 Pro से भी कंपेयर करेंगे। तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 6.78 इंचेस की 1.5K 8T LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में हमें देखने को मिलेगी। इसमें हमें 3000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम इसे पिछले वाले भाई से कंपेयर करें तो डिस्प्ले लगभग हमें सेम ही देखने को मिलने वाली है पिछले फोन में और इस फोन में, सिर्फ हमें ना इस बार पीक ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है। प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। LPDDR5X की हमें रैम देखने को मिलती है और UFS 4.0 की हमें स्टोरेज देखने को मिलती है और इस फोन का अंततः स्कोर 1.7 मिलियन आता है जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि आपको गेमिंग बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है। और इस प्राइस रेंज में ये पहला फोन है जिसमें हमें Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें हमें Android 14 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए हमें Q1 चिप भी देखने को मिलने वाली है। कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX920 सेंसर देखने को मिलता है जिसमें हमें OISB देखने को मिलता है। यही सेंसर Vivo X100 में यूज किया है, यानी कि आपको फोटोज बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है। और 8 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल की हमें सेल्फी देखने को मिलती है। पिछली बार हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया था जिसमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी था, लेकिन वो 2 मेगापिक्सल का यूजलेस होता है, उसके फोटोज आप कहीं पे भी पोस्ट नहीं कर पाओगे, तो क्या ही काम का, इसलिए 2 ही बेस्ट है। और इस बार बैटरी भी हमें बड़ी देखने को मिलती है 5160mAh की जो कि 120 वाट की वायर चार्जिंग के साथ में हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, एक्स एक्सिस लाइनर राउटर देखने को मिलती है जिससे हमें हैप्टिक बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और ये फोन 144Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है गेमिंग के टाइम पर, यानी कि अगर आप गेमिंग करोगे तो 144Hz तक की आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है और आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है। और इस फोन में हमें ये दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। और इस फोन की अगर हम प्राइस की बात करें तो 12256 का जो वेरिएंट है वो हमें 30,000 से 35,000 के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये फोन बहुत ही बढ़िया निकल के आता है गेमर्स को टारगेट करते हुए और हमें अच्छे कैमरास भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या कहना है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर से बताना।